सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। हाँ, पता है आप लोगों को थोड़ा सा लाइटिंग अलग लग रहा होगा, तो पहले कहीं इधर उधर शूट कर लेते थे, पर थोड़ा सा सेटअप बनाया है अच्छा सा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लाइटिंग कैसी लग रही है आप लोगों को। और हाँ, बात करते हैं मुद्दे की। तो कल मैं अपना फ़ोन चेक कर रहा था, पुरानी फ़ोटोज़ देख रहा था, तो मुझे ये वाली फ़ोटो मुझे दिखी। हाँ, तो पहले तो सोचा इस फोटो को डिलीट कर देते हैं, पर सोचा क्यों ना अपने आप को एक चैलेंज दिया जाए और थोड़ा सा फ़ोटो मैनिपुलेशन किया जाए और इस फोटो को मरी हुई से ज़िंदा किया जाए। तो क्या कुछ रिजल्ट निकल के आया, चलिए देखते हैं। ये वाली फ़ोटो जो थी, मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ोटो मैनिपुलेशन किया जाए, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए, ट्राई किया जाए, अपने आप को चैलेंज किया जाए और इसका थोड़ा सा लुक बढ़िया बनाया जाए। तो ये वाली फ़ोटो निकल के आई, बन के आई, तो ये बढ़िया लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ट्यूटोरियल दे दिया जाए कि इसको आप लोग इस तरह से अपनी फ़ोटो मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग जल्दी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी फ़ोटो मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो किसी भी फ़ोटो को मैनिपुलेशन करने के लिए या कॉन्सेप्ट आर्ट बनाने के लिए कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उन्हीं से कोई फ़ोटो स्टैंड आउट करती है। तो क्या है वो स्टेप? स्टेप नंबर वन, चूजिंग अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को चूज़ करना किसी भी कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। बिना स्टोरी के कोई भी फोटो इतनी अच्छी नहीं लगती है। सो कॉन्सेप्ट के बिना कॉन्सेप्ट आर्ट इज लाइक CSK विदाउट MS धोनी। टीम तो बन जाएगी पर मज़ा नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट चूज़ कर लेने के बाद आपका क्या फ़ायदा होता है? कॉन्सेप्ट चूज़ करने के बाद आप एलिमेंट्स बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो इसी से निकल के आता है हम लोगों का स्टेप नंबर टू, फाइंडिंग एलिमेंट्स। फाइंडिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट आर्ट या बनाते हैं, फोटो एडिट करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होती है, जैसे PNG हो गया, बैकग्राउंड हो गए, ओवरलेज हो गए, लाइट्स हो गई, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी कॉन्सेप्ट आर्ट को बनाने के लिए। तो इन चीज़ों को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आपने स्टेप नंबर वन फॉलो किया है कॉन्सेप्ट, तो उसके हिसाब से आप अपने एलिमेंट्स को बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ये वाली फ़ोटो, इस वाली फ़ोटो में मैंने दो कॉन्सेप्ट पहले सोचे थे, एक फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन और एक दूसरा जंगल में थोड़ा सा हैप्पी मूड टाइप का। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने सोचे थे, इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने सोचा था कि आगे एडिट करेंगे, आगे एलिमेंट्स उस हिसाब से ढूंढे जाएंगे। तो अब क्या हुआ, हमारा कॉन्सेप्ट डन, अब इस हिसाब से हम लोग मटेरियल ढूंढेंगे। मटेरियल कैसे ढूंढना है, हम लोग जाएंगे गूगल पर, सिंपली सर्च करेंगे इससे रिलेटेड, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक, उससे आपके दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आगे आप लीजिए एलियंस, UFO, बड़ी बड़ी हाईटेक बिल्डिंगें, हाईटेक गन्स, रोबोट्स, बैकग्राउंड, ये सब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें फ्यूचरिस्टिक में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह इस जंगल वाले के लिए पेड़ हो गए, फूल हो गए, ब्रांचेस हो गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट यानी कि स्टेप वन डन कर रखा। तो अब स्टेप वन डन, स्टेप टू एलिमेंट्स भी मिल गए, अब आते हैं स्टेप थ्री पे। तो स्टेप नंबर थ्री है हमारा एडिटिंग। अब एडिटिंग के लिए कई बार बहुत ही ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा PNG लगाएं, कौन सा ये लगाएं, कौन सा बैकग्राउंड लगाएं, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। तो जो एलिमेंट्स आप लोगों ने फाइंड कर लिए हैं, डाउनलोड कर लिए हैं, उनको कॉन्सेप्ट में अपने उस फोटो में यानी कि रॉ फोटो में लगा लगा के ही आप सीख सकते हैं कि क्या चीज़ क्या अच्छी लग रही है उस फोटो में। उस हिसाब से आपकी फ़ोटो में PNG आप समझ सकते हैं कि कौन सी PNG अच्छी लग रही है। तो अब एडिटिंग के लिए कैसे क्या करना है, पिक्सआर्ट में चलते हैं। मैं ये वाली अपनी फ़ोटो की ट्यूटोरियल दे देता हूँ, ऐसे ही आप लोग अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस फोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले मैंने सोचा था कि बैकग्राउंड में कोई ना कोई अगर एक प्लैनेट लगा देते तो थोड़ा सा फैंटेसी वाला लुक आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैंने एक प्लैनेट का PNG लगा के बैकग्राउंड में उसकी ओपेसिटी को कम कर दिया, ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन रखा था, और फिर क्या किया था कि एक जो माउंटेन वाली PNG थी उसको भी बैकग्राउंड में ले जाके ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करके उसकी भी ओपेसिटी को कम कर दिया था। अब मैंने सोचा कि क्यों ना एक बिल्डिंग लगाई जाए, बड़ी सी अच्छी लगेगी जो देखने में। तो बिल्डिंग लगाने के बाद उसको नीचे से थोड़ा सा इरेज कर दिया था ताकि वो ब्लेंड हो जाए बैकग्राउंड से, पर वो ब्लेंड नहीं हो पा रहा था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो अगर कोई चीज़ आपकी ब्लेंड नहीं होती तो उसके लिए एडिटर लोग क्या करते हैं, छिपा देते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा, छिपाएंगे कैसे? तो मैंने सोचा क्यों ना कोई एक फॉग या स्मोक क्रिएट किया जाए एनवायरनमेंट में ताकि वो पीछे वो छिप जाए।
तो उसके लिए मैंने एक स्मोक वाली पीएनजी लेके उसको ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करके उसके आगे लगा के कई बार डुप्लीकेट करके थोड़ा सा इधर उधर सारे बैकग्राउंड में लगा दिया एनवायरनमेंट में, ताकि फ़ोटो में एक फॉगी लुक आ जाए, स्मोकी लुक आ जाए और जो बैकग्राउंड से मर्ज भी हो जाए वो ब्लेंडिंग। तो इतना कर देने के बाद अब क्या करते हैं, आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि कभी भी कोई पीएनजी लगाएं तो उसकी शैडो बहुत ज़रूरी है, शैडो पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे एक प्रोफेशनल फ़ोटो में और एक नॉर्मल से बिगिनिंग वाली फ़ोटो में अंतर यही दिखने में मिल जाता है कि वहाँ पे अगर आप कोई पीएनजी लगाते हैं उसकी शैडो नहीं लगाएंगे तो एकदम से बेकार, एकदम से नकली लगेगा। तो शैडो पर ज़रूर ध्यान दें। तो क्या करते हैं, मैंने अब सोचा कि एक और बिल्डिंग लगाते हैं, तो इस बिल्डिंग को लगाने के लिए मैंने क्या ड्रॉ टूल का इस्तेमाल, ड्रॉ टूल में मैं गया वहाँ पे नीचे से प्लस वाले ऐड ऑब्जेक्ट में जाके उस फोटो को यानी कि उस बिल्डिंग को ऐड किया। उसके बाद उसके नीचे उसमें एक ऐड लेयर वाले ऑप्शन में जाके एक लेयर को ऐड किया और उसमें जो ये वाला ब्रश था इसको सेलेक्ट करके इसको फिर मैंने ड्रॉ किया उसके नीचे पे शैडो, और फिर उस लेयर को उस बिल्डिंग वाली लेयर के नीचे ले आते हैं ताकि जो ये शैडो वाली लेयर है वो बिल्डिंग वाली लेयर के नीचे आ जाए यानी पीछे चली जाए। और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा उसके ऊपर भी ब्लैक लाइन किया जाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ही हार्ड लाइन दिख रही थी। इसलिए इतना कर देने के बाद अब मैंने सोचा एक रोबोट वाली पीएनजी थी उसको भी वहाँ पे साइड में लगा लिया। तो इस तरह से हम लोगों की फ़ोटो बन के हो गई तैयार। यहाँ पे पिक्सआर्ट में अब हमारा काम ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको ये जल्दी जल्दी बताया क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन जाता, तो आप लोग समझ सकते हैं इतना बेसिक नॉलेज, बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, बाकी आप लोग एडिट करके खुद ही जान सकते हैं। तो अब चलते हैं इसको कलर ग्रेड करते हैं। कलर ग्रेड करने के लिए हम चलेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। लाइटरूम एप्लीकेशन में अब हम क्या करेंगे, अपनी फ़ोटो को ले आएंगे। अब यहाँ हमें चाहिए सेलेक्टिव टूल। सेलेक्टिव टूल का आपके लाइटरूम में तभी आएगा, या तो वो पेड वर्जन होना चाहिए या तो जुगाड़ वर्जन। जुगाड़ वर्जन मतलब समझ रहे हो ना। तो अब चलते हैं सेलेक्टिव टूल के ऑप्शन में चलेंगे हम लोग। ये सर्कल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ऊपर से एक थोड़ा सा सर्कल बनाएंगे। अब इस ये सर्कल मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि UFO को लाइट आ रही हो, मैं ऐसा मतलब कोई कॉन्सेप्ट था उसके लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, शैडो बढ़ा देंगे, जिससे कि वो पार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि ऊपर से लाइट आ रही है। तो इतना कर देने के बाद नीचे भी एक सर्कल हम बनाएंगे ताकि ऐसे लगे जब ऊपर से कोई लाइट पड़ती है तो नीचे भी ज़मीन पर लाइट पड़ती है ना। तो उसके लिए इस वाले सर्कल को बुलाएंगे और इरेजर वाले ऑप्शन में जाकर थोड़ा सा जो पैर वाला है इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। इरेज कर देने के बाद अब इतना हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और सर्कल बनाएंगे और वो सर्कल बनाएंगे उसमें फिर इन्वर्ट रेडियल बैकग्राउंड में जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो पीछे का बैकग्राउंड है यानी कि सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा उसका क्या है, ब्राइटनेस को कम कर देंगे। ब्राइटनेस को कम कर देने से क्या लगेगा, सब्जेक्ट पे ही लाइट आ रही है बाकी बैकग्राउंड में इतनी लाइट नहीं है, ये देखने में बहुत ही अपीलिंग और बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम क्या करेंगे, कर्व टूल में जाके थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम कलर ग्रेड कर लेंगे। अब कलर ग्रेडिंग आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, कलर ग्रेडिंग मैं सिखा रहा हूँ, बहुत ही जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताऊँगा वरना ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। और कलर ग्रेडिंग पर मैंने पहले ही बहुत सारे ट्यूटोरियल दे दिए हैं, तो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव और एडुकेटिव लगा हो ये वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट मिलेगा। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग इस बारे में क्या जानना चाहते हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप उसके बारे में कमेंट में कर सकते हैं। और फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर हम लोग लगातार एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और अच्छे से बातें करते रहेंगे, वहाँ पर भी मैं छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ। और हाँ भाई, सब्सक्राइबर बहुत कम है तो सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।